यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। बेशकीमती खैर की लकड़ी की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह को गढ़वा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में लकड़ी भी बरामद किया। इससे तो हम सभी बखूबी वाकिफ हैं कि खैर नामक पेड़ की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है, जो बाजार में भारी कीमतों के साथ बेची जाती है। बस इसीलिए खैर की लकड़ियों की तस्करी बड़े पैमाने पर की जाती है। गढ़वा जिले से भी इस बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। यह तब ज्ञात हुआ जब एसपी शिवानी तिवारी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना पुलिस जिला मुख्यालय से थोड़ी ही दूरी पर स्थित बरदगा जंगल में पहुंची तो वहां पाया कि एक बड़ा ट्रक खैर की लकड़ियों से भरा पड़ा है। वहीं कुछ लकड़ियों को गाड़ी में रखने लायक तैयार किया जा रहा है। पुलिस ने जहां मौके से 9 तस्करों को गिरफ्तार किया, वहीं एक ट्रक खैर की लकड़ी को भी बरामद किया गया। हम लोग रात्रि में हम लोग को पता चला विश्वस्त से कि कोई गाड़ी जो है ट्रक बरदगा की ओर से बेलचंपा होते हुए लेकर के सासाराम की ओर जाएगा। खैर जिसमें लगा हुआ है एक ट्रैक्टर और एक ट्रक। हम लोग जो है अपने टीम को गठन किए और पुलिस बल का सहयोग लिए और रात्रि में हम लोग यहाँ से करीब 11:30 बजे निकले और रास्ते में उसको आते हुए पकड़े, जिसमें 8 आदमी को गिरफ्तार किए हैं, जिसको अभी जेल भेजा जाएगा। यह खैर का लकड़ी तस्करी करते हैं लोग और सासाराम की तरफ बेचते हैं कथा बनाने में यह प्रयोग किया।